हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं करण अरोड़ा, फाउंडर एंड सीईओ आइट्रॉनिक सॉल्यूशंस, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, बिटकॉइन की टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल देखेंगे और आने वाले दिनों में बिटकॉइन का क्या प्राइस हो सकता है इसके बारे में यहाँ पर पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बिटकॉइन के चार्ट को यहाँ पर देखते हैं। तो अभी बिटकॉइन जो है वो 39,300 के अराउंड यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे पहले चार्ट को समझते हैं कि ओवरऑल चार्ट हमें क्या यहाँ पे बता रहा है, उसके बाद हम लेटर ऑन इसको दूसरे एंगल से एनालिसिस करेंगे कि किस हिसाब से इसका जो प्राइस है वो अप ट्रेंड में ऊपर की तरफ जा सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस ट्रेंड लाइन की, तो इस ट्रेंड लाइन के हमें यहाँ पर रिजेक्शन जो है वो बहुत बार देखने को मिली थी, लेकिन लास्ट टाइम जब बुल रन आया था तो यहाँ से जैसे ही ये इस लाइन के ऊपर आया था उसके बाद इसी अपना एक नया हाई लेवल इसने टच किया था। तो ये वाली जो लाइन है ये बहुत बार एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर चुकी है। यहाँ पे एक बार फेक ब्रेकआउट हुआ, दोबारा फिर से यहाँ पे एक बार फेक ब्रेकआउट हुआ और तीसरी बार फिर से यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हुआ, तो जिसके चक्कर में बहुत बार जो लोग हैं वो इसके चक्कर में फंस गए थे। अब बहुत सारे लोग जो टेक्निकल एनालिसिस इसी वे में करते हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन है इसके नीचे है तो मतलब वहाँ से रिजेक्शन मिलेगी, इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो हम बाय कर लेंगे। तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया भी और टेक्निकल एनालिसिस बोलती भी यही थी कि इन केस अगर ये लाइन के ऊपर आ जाता है तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉजिटिव अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो हुआ क्या, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस थी, जो ट्रेंड लाइन थी, उसको ब्रेक किया, रेजिस्टेंस से रिजेक्शन हुई, ट्रेंड लाइन के नीचे वापस आया, क्लोजिंग दे दी। उसके बाद जब नीचे यहाँ पर उसने क्लोजिंग दी, इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे जब आ गया, क्लोजिंग दे दी, तो लोगों ने यहाँ पे सेल कर दिया, लेकिन प्राइस फिर से ऊपर बढ़ गया। जब फिर से ऊपर आया लोगों को लगा यहाँ पे ऊपर बढ़ेगा, तो ट्रेंड लाइन के ऊपर आ चुका है, क्लोजिंग भी हो चुकी है। अब जैसे ही उन्होंने यहाँ पे बाय किया नेक्स्ट डे, तो प्राइस उसके बाद सीधा नीचे। तो ये था वेज का मैनिपुलेशन कि यहाँ पे जब लोगों को ट्रस्ट हो जाएगा कि अब कैंडल ऊपर क्लोज हो चुकी है, अब यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, राइट, तो लोग यहाँ पे बाय करेंगे, तो वो बुरी तरह फंस गए। उसके बाद दोबारा फिर से प्राइस ऊपर की तरफ गया, यहाँ से फिर से सेकंड बार हमें चांस मिला कि अब फिर से ऊपर क्लोजिंग हो चुकी है, अब फिर से यहाँ से अप ट्रेंड में जाएगा। थर्ड यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ कि यहाँ पे फिर से हमें लगा ट्रेंड लाइन के ऊपर आ गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम फिर से नीचे की तरफ ही आ चुका था। अब यहाँ पे ये बात समझ में आती है कि नेक्स्ट टाइम जब लोग फिर से समझेंगे कि यहाँ से अब फिर से लाइन के ऊपर जाएगा, ब्रेक करेगा, तो मतलब यहाँ से फिर से हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये बुलिश हो जाएगा, तो अप ट्रेंड में मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब जब लोग ये समझेंगे कि यहाँ से एक बार जब ऊपर जाएगा, नेक्स्ट कैंडल तो रेडी बननी है, फिर से नीचे ही आना उसको, तो जब लोग ये समझना स्टार्ट कर देंगे कि लोगों को लगेगा अब ऊपर नहीं जाएगा, देन वहाँ से क्या हो जाएगा, जो गेम है वो टोटली रिवर्स हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे मैं दो तीन चीज़ें बताऊँगा जो कि आपको ध्यान में समझनी है। सबसे पहली चीज़ कि ये जो 45,850 का लेवल है ना, ये क्रॉस होना बहुत ज़रूरी है। ये वाली जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसको मैं थोड़ा यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ, ये वाला लेवल, और इसका कलर भी मैं यहाँ पे ब्लैक कर देता हूँ। आप ये समझ लो कि ये वाली लाइन जो है ये ब्रेक होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बार रिजेक्शन मिल चुकी है। यहाँ से रिजेक्शन मिली, उसके बाद फिर से इस लाइन के पास आया, यहाँ से रिजेक्शन मिली, तो जब तक इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं होती, मतलब 45,850 लगा लो या 45,800 या 46,000 लगा लो, 46,000 के ऊपर जब तक बिटकॉइन की क्लोजिंग नहीं होती, तब तक बिटकॉइन जो है वो यहाँ पे नीचे की तरफ मूव करता रहेगा। अभी अगर हम पैटर्न देखें, अभी मैं डे चार्ट के ऊपर हूँ, तो डे चार्ट के ऊपर यहाँ पे जो पैटर्न है वो क्लियरली यहाँ पे हमारे पास एक W जैसा पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये वाला W यहाँ तक आ चुका है, और अगर वर्स्ट केस देखेंगे तो 37,000 तक आ सकता है। उसके बाद यहाँ से ये ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, और अगर ये ऊपर की तरफ मूव करता है तो हमारे पास एक क्लियरली ये W बन जाएगा। उसके बाद जैसे ही 45,850 को क्रॉस करेगा, ये वाला लेवल जो है रिजेक्शन गया, 49,000 से वापस 45,000 के अराउंड, यहाँ पे 46,000 के अराउंड जाके, देन ऊपर 51,900 का जो रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ पे ये मूव करेगा। तो मैं यहाँ पे बिटकॉइन को कुछ इस हिसाब से यहाँ पे एनालिसिस करता हूँ कि बिटकॉइन इसके अकॉर्डिंग मूव कर सकता है। और अगर हम बहुत ही वर्स्ट केस लेके चलें, इन केस अगर हम मैं मान के चलूँ कि जो W पैटर्न है वो एग्जैक्ट ऐसा नहीं बनेगा, थोड़ा सा नीचे अगर आके W बनता है तो वो ये इस तरह का पैटर्न हो सकता है। तो ये भी पैटर्न हम यहाँ पे एज्यूम करके चलेंगे। उस टाइम पे मैं यहाँ पे लास्ट लेवल एक्सपेक्ट करता हूँ 35,300 के राउंड।
तो मैं ये मान के चलता हूँ कि बिटकॉइन 35,300 तक पहुँच सकता है। इसी के साथ बाकी के अगर हम इंडिकेटर्स की बात करेंगे, एक बार उनको भी चेक करेंगे, तो बोलिंगर बैंड इंडिकेटर की बात करेंगे सबसे पहले। तो बोलिंगर बैंड इंडिकेटर भी यहाँ पे अगर उसका लोअर लेवल देखेंगे तो वही सजेस्ट कर रहा है, विच इज़ अराउंड 35,460 के अराउंड यहाँ पे। और दूसरा, अगर हम मूविंग एवरेज की बात करें तो सभी मूविंग एवरेजेस को भी चेक कर लेते हैं, बाकी के लेवल्स बंद कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ मूविंग एवरेजेस को यहाँ पे चेक करेंगे। तो येलो लाइन है 20 डेज मूविंग एवरेज, रेड लाइन 50 डेज, ऑरेंज लाइन 100 डेज, और ब्लैक लाइन जो है 200 डेज मूविंग एवरेज है। तो अभी यहाँ पे बहुत बार आपने यहाँ पे ये देख लिया होगा कि जैसे ही ये इन दोनों ट्रेंड इसके मूविंग एवरेज के ऊपर आता है, 20 और 50 के ऊपर आता है, बिटकॉइन बुलिश हो जाता है। अगर दोनों के नीचे आता है तो यहाँ पे बहुत नीचे की तरफ चला जाता है। अब यहाँ पे फिर से इस वाली कैंडल में 20 और 50 के ऊपर आया था तो ऊपर भाग गया था। अब यहाँ पे फिर से देखना है कि अगर बिटकॉइन का प्राइस मतलब 40,000 के ऊपर आ जाता है, तो अगर 40,000 के ऊपर आ जाता है बिटकॉइन का प्राइस, तो ये फिर से ऊपर भागने की कोशिश करेगा और 41,800 या 42,000 तक बिटकॉइन का प्राइस हमें देखने को मिल सकता है। तो जैसे ही यहाँ पे 40,000 के ऊपर आएगा तो 42,000 तक जाएगा, 42,000 के बाद जो रिजेक्शन मिलने के चांसेस हैं वो 43,250 के ऊपर हैं, और जो मेन रिजेक्शन का लेवल है वो है 45,850। तो ये लेवल्स हैं जो बिटकॉइन को ब्रेक करने बहुत इंपॉर्टेंट है। 45,850 के ऊपर बिटकॉइन आना बहुत ज़रूरी है, और अगर इन केस इसके ऊपर आ जाता है तो वहाँ से इसका अप ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करता हूँ कि बिटकॉइन इन पर्टिकुलर लेवल्स में मूव करेगा और इसके अकॉर्डिंग यहाँ से अप ट्रेंड में ऊपर जाने की पूरी पूरी इसकी प्रोबेबिलिटी है। और अगर मैं 4 आवर चार्ट के ऊपर देखूँ तो 4 आवर चार्ट के ऊपर, ये कल चार्ट मैंने अपने टेलीग्राम के ऊपर भी शेयर किया था, तो आपके साथ भी यहाँ पे शेयर करता हूँ। तो उसको थोड़ा सा मैं दूर से दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह का ये चार्ट है, ताकि आपको थोड़ी पिक्चर क्लियर हो जाए। तो मैंने यहाँ पे दो लेवल्स बनाए हैं, और ये जो दो लेवल्स हैं, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, आप ये यहाँ से मान के चलिए, ये वाली ट्रेंड लाइन, और उसके बाद यहाँ से 2-3 बार रिजेक्शन मिली है। अब इस ट्रेंड लाइन को मैं यहाँ पे एनालिसिस करने की कोशिश करूँगा, जहाँ से आपको ये पिक्चर इसकी क्लियर हो जाएगी। तो अभी तक यहाँ पे जो बिटकॉइन का प्राइस है वो इसी ट्रेंड लाइन से यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, तो ये वाली ट्रेंड लाइन अभी भी यहाँ पे एज अ सेफ जोन बन के बैठी हुई है। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन आई, ट्रेंड लाइन से उसने सपोर्ट ली, और सपोर्ट लेने के प्राइस जो है ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे ये जो हटाता हूँ, ये जो मैंने अभी सर्कल्स ड्रॉ करे हैं, अब इसको प्रॉपर वे में एनालिसिस करके देखते हैं। अभी यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं जो प्राइस है वो 39,433 के ऊपर है। तो ये वाला मैंने चार्ट कल जब शेयर किया था टेलीग्राम के ऊपर, तो मैंने 40,300 की रेजिस्टेंस ड्रॉ करी थी, तो कल एग्जैक्ट 40,300 के आसपास यहाँ पे इसने मूव किया उसके नियर बाय, राइट। और उसके बाद साथ ही उसने दोबारा कैंडल हाई बनी, हाई बनने के बाद दोबारा यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया। अभी जो सपोर्ट है वो 38,740 की सपोर्ट है, ठीक है। और अगर हम वर्स्ट केस लेके चले, इस लाइन तक लेके चले, तो इस लाइन की जो है वो 38,300 है। तो मतलब इन केस अगर ये और गिरता है तो 38,300 से पहला लेवल है इसका कि यहाँ से ही ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। तो मतलब ये वाली लाइन एज अ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद लेवल सीधा नीचे की तरफ आएंगे। वो कौन कौन से लेवल्स हैं वो मैं डे चार्ट के ऊपर आपको बता चुका हूँ, या आप मेरा इसको दोबारा से रिवर्स में वीडियो को देख के चेक कर सकते हैं कौन कौन से लेवल थे। अब यहाँ पे अगर 4 आवर चार्ट की बात करें तो यहाँ पे भी हमारे पास बहुत अच्छा जो W पैटर्न है वो भी यहाँ पे असेंडिंग W पैटर्न जो है वो मूव कर रहा है। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी पूरी पूरी बन रही है कि 45,300 तक ये पहुँचने की कोशिश करेगा। तो 45,300 का हम यहाँ पे बिटकॉइन का टारगेट जो है वो लेके चल सकते हैं। अभी जिन्होंने बाय कर लिया है वो होल्ड करें और वेट करें 45,300 तक, यहाँ पे जब बिटकॉइन पहुँचेगा तो उस पर्टिकुलर लेवल्स के ऊपर अगर आपको सेल करना है तो आप कर सकते हैं। तो ये बिटकॉइन का जो ओवरऑल एनालिसिस है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट की और ऐसी प्राइस प्रेडिक्शन वीडियो के साथ। थैंक यू।